हेलो फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ न्यूट्रीला मसाला कढ़ाई। और इसको बनाने के लिए न्यूट्रीला लिया है हाफ बाउल और इसको बॉईल कर लिया है। और कुछ वेजिटेबल लिया है, शिमला मिर्च लिया है, हाफ शिमला मिर्च लिया है रेड और हाफ लिया है ग्रीन। और इसको चौकोर काट लिया है, चार पांच लहसुन लिया है, तीन हरी मिर्च और एक छोटा सा अदरक लिया है और इसको चॉपर में काट लेंगे। और एक प्याज लिया है और एक टमाटर लिया है, इन दोनों का हमें बारीक करना है। चॉपर में ही मैं काट लूँगी इसको। और ये प्याज लिया है एक, और इसको ऐसे काट कर इसको अलग अलग कर लिया है। कुछ मसाले लिए हैं जिनको हमें रोस्ट करना है, तो इसके लिए मैंने 8-10 काली मिर्च लिया है, 2 लौंग और एक दालचीनी, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 2 लिया है सूखी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून लिया है धनिया, हाफ टी स्पून लिया है सौंफ और हाफ टी स्पून लिया है जीरा। सौंफ थोड़ा सा और कम लेंगे, हाफ टी स्पून से भी कम लेंगे। नमक लिया है 1 टी स्पून। सबसे पहले मसाले को रोस्ट करके और इसको मिक्सर में चला लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए। और इसको फ्रेश ये डालना चाहिए, इससे अच्छी खुशबू आती है कढ़ाई में। हल्के हल्के से चलाते हुए इसको रोस्ट कर लेना है। सौंफ है, सौंफ थोड़ा सा कम कर दिया है मैंने, थोड़ा सा कम लिया है सौंफ। उसी पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। और पहले हम प्याज को डालेंगे और प्याज को कुछ सेकंड के लिए पहले चला लेंगे, जिससे थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। कुछ थोड़ी देर के बाद हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च डालकर 1-2 मिनट के लिए इसको चलाएंगे और इसको कवर नहीं करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे इसको। और इसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया इसमें, और इसको थोड़ी देर सोटे होने तक पका लेंगे, और ज़्यादा गलाना नहीं है इसको। और थोड़ी देर सब्जी में भी इसको पकना है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बनाना है। और ये हमारा रेडी हो गया है, इसको हटा लेंगे। उसी पैन में मैंने 1 चम्मच और ऑयल डाल दिया है, उसमें 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता डाल दिया, और लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को मैंने चॉपर में काट लिया था उसको डाल दिया। और थोड़ी देर उसको फ्राई कर लेंगे और फिर प्याज डालेंगे। लहसुन अदरक को पिसा हुआ पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसको भून लेंगे प्याज को, पानी भी सूख जाए और थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए। ये अच्छी तरह से भून गया है। और इसमें टमाटर डाल देंगे, टमाटर डालकर थोड़ी देर पका लेंगे इसको, थोड़ा सा इसका पानी कम हो जाए। और इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्च लिया है, और मैंने हरी मिर्च भी लिया है इसलिए मैंने थोड़ा इसमें कम लिया है। और इसमें डाल देंगे हम न्यूट्रीला को जो हमने बॉयल किया हुआ था। 2-3 बॉयल आने तक न्यूट्रीला बॉयल हो जाता है और अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाता है। और इसका पानी निचोड़ लेंगे, जब बॉयल हो जाएगा तो इसका पानी निचोड़ लेंगे अच्छी तरह। और इसमें मैंने टमाटर के साथ मसाले के साथ डाल दिया है और इसको भून लेंगे। और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, आधा कप से भी थोड़ा कम डाला है, जिससे मसाले के साथ और टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको कवर कर देंगे और बीच में इसको चला भी लेंगे। मसाले के साथ थोड़ी देर पक जाने से सब्जी अच्छी बनेगी। तो अब इसको खोल लिया है मैंने, और ये मसाला और प्याज टमाटर सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून लिया है टोमेटो सॉस, और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। जो मसाला हमने भुना था उसको पीस लिया है, उसमें से 2 चम्मच डालेंगे। मसाला जब हम पीसते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो सारा मसाला ना डालें, थोड़ा सा उसको चेक करके डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। और ये हमारे सारे सब्जियों को डाल देंगे इसमें, और आधा कप इसमें पानी डाल दिया है, और सबको मिक्स कर लेंगे। अब 2-3 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी से थोड़ा पानी भी डाला है, बाकी मसाले भी डाले हैं, तो अच्छी तरह सब मिक्स हो जाए। तो इसको कवर करके रख देंगे कम से कम 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, और उससे ज़्यादा नहीं। अब इसको खोल लिया मैंने, इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है, और ये अच्छी तरह से सब्जी हमारी रेडी हो गई है। ये न्यूट्रीला का मसाला कढ़ाई अच्छी तरह से हमारा रेडी और तैयार, टेस्टी बना है। इसमें थोड़ी सारी धनिया डाल दिया है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे, और इसको पराठा और रोटी चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और उसमें जो मसाला हमने पीसा था ड्राई, उसको भी थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया है। इसमें ऊपर से बटर डाल दें या घी डाल दें, इससे और भी टेस्टी लगने लगेगा। तो ये हमारा न्यूट्रीला मसाला कढ़ाई तैयार हो गई है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए कि ये आपको सब्ज़ी कैसी लगी।